हाँ जी एवरीबॉडी, सो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लासरूम ऑफ कंपनीज एक्ट। चलिए भाई, तो कंपनी क्या है, कैसे है, बेसिक्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि मैं ये मान के बैठा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, बट फिर भी हम लोग स्क्रैच से शुरू करेंगे। आप सब लोग बाइक स्कूटी ऐसा तो चलाते ही होंगे कुछ, हाँ कभी चलान भी आया होगा। हाँ तो बस एक चीज़ को समझो, ये एग्जाम्पल मैंने शायद अपनी इससे पहले वाली क्लास में नो योर सब्जेक्ट में भी दिया होगा। आप चाहे बाइक चलाओ, चाहे स्कूटी चलाओ, चाहे गाड़ी चलाओ, ट्रक चलाओ, चाहे ट्रैक्टर चलाओ, ठीक है, कुछ भी, तो आप सबके लिए रेड लाइट तो कॉमन है। एक सिंपल लॉ है जिसे ट्रैफिक रूल्स कहते हैं, वो सबके लिए कॉमन है कि जीब्रा क्रॉसिंग से पहले अपनी गाड़ी रोकनी है, सीट बेल्ट लगा कर रखनी है, टू व्हीलर हो तो हेलमेट डाल के रखना है। हाँ, आपकी गाड़ी पे, आपकी बाइक पे, स्कूटी पे नंबर प्लेट वगैरह ये सब होनी चाहिए, तो ऐसा एक लॉ बना हुआ है। तो कह रहा सर, ऐसे ही कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास एक लॉ है विच इज नोन एज कंपनीज एक्ट 2030, जो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताता है कि कंपनी पैदा कैसे होगी। जैसे हमारे मरने से, जीने से लेके मरने तक का सब कुछ कहाँ लिखा है, भगवत गीता में लिखा है। हाँ, मनुष्य के जीवन का सार। तो कह रहा सर, ये पूरी कंपनी कैसे चलेगी, इसका इनकॉर्पोरेशन बर्थ से लेकर डेथ तक, यानी कि इन कॉर्पोरेशन से लेकर कभी ऑपरेशन, ऐसा भी होता है ना हमारी लाइफ में, जैसे कभी ऑपरेशन होता है, शादी होती है ना, आपकी लाइफ में कोई ना कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है, शेयर होल्डर आपके पास है, जनरल मीटिंग होती है, आप स्कूल जाते हो, ऐसी सारी चीजें, सारी चीजें। कभी कभी एक आधी बार ऐसा लगता है कि ये इंसान तो अब नहीं बचेगा, पर फिर भी बच जाता है, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन। तो कह रहा सर, इन कॉर्पोरेशन से लेके डिसोल्यूशन तक ये सारी की सारी बातें जो हैं कहां लिखी हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013 सर, हमारे को इतने दिन बाद, हम आजाद हुए इन द ईयर 1949, 1947, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950, हम सर इतने सालों के बाद हमने कंपनीज एक्ट बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट आज का नहीं है, बहुत पुराना है, हमारे पुनर्जन्म से भी पहले का। पहले जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 था, ठीक है, वहां से कहानी शुरू हुई। अंग्रेज जब हमारे यहाँ राज कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम शायद आप लोगों ने सुना, वहां से ये कहानी शुरू होती है। फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स आती रही। जैसे आप क्या करते हो, आप सीधा अपना फोन नहीं बदल देते, आपके फोन में अपडेट्स आती हैं, आप उस फोन की अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट कर लेते हो प्ले स्टोर से या iOS से। हाँ, और एक टाइम आता है जब आपको पूरा का पूरा फोन ही अपडेट करना पड़ता है। बिल्कुल, अब यहां भी ऐसा ही है, जब हमें कुछ कुछ माइनर चीजों को अपडेट करना है तो हम उस एप्लीकेशन को अपडेट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर रूल को, उस रेगुलेशन को, उस सेक्शन को हम अपडेट कर देते हैं। पर एक बार जब ऐसा मौका आ जाता है, जब लगता है यार अब तो ये फोन ही किसी काम का नहीं रहा, ये एक्ट ही किसी काम का नहीं रहा, तो हम एक्ट चेंज करके पूरा का पूरा नया एक्ट लेकर आ जाते हैं। ओके, अब देखो सबसे पहली बात अगर मैं यहां पे करूं, बहुत ज्यादा पुरानी बात आपको नहीं बता रहा, तो कंपनीज एक्ट 1913 हुआ करता था। इसके बाद हमारे पास आया कंपनीज एक्ट 1956, ये शायद आपने अपने 11th 12th में कभी सुना भी हो, या अगर कभी कहीं सुनने को मिला हो। उसके बाद हमारे पास आज के टाइम पर है कंपनीज एक्ट 2013। अब सबका ना एक हेल्पलाइन नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर, ये क्या चीज है भाई, हेल्पलाइन नंबर होता है, जैसे आपको इंस्टीट्यूट ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है ना, वहां पे सबके कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये डायरेक्टर से लेकर वो डायरेक्टर तक, मेरे पास बात कैसे आती है, मेरे को कैसे पता चलता है भाई, मैं किसी भी डायरेक्टर को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि एग्जाम के रिजल्ट कब आने वाले हैं, ठीक है, या पेपर कब होने वाले हैं, हम रिजल्ट कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें भाई उनको कॉल करके पूछ लो, बता देंगे। पर बहुत ज्यादा कॉल मत करना, वो मतलब आप बोल दो कि मैं स्टूडेंट हूँ, डांट देंगे, बोलो, बहुत कॉल आ जाती है ना ऐसे। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर्ड तरीका था वो था कंपनीज एक्ट 1913, और उसके बाद बहुत सारी ये चीजें आज भी कंपनीज एक्ट 2013 में है भाई। गाड़ी एक जमाने में बैलगाड़ी थी, उसमें भी टायर थे, टायर तो आज की गाड़ियों में भी है ना, तो ऐसे ही। अब क्या होता है सर, धीरे धीरे हम चीजें चलते जाते हैं, आगे आते जाते हैं, और आज के टाइम पर चला रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। हेल्पलाइन नंबर की आप कुछ बात कर रहे थे, यस, इसका जो हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर देखो कंपनीज एक्ट के अंदर देखना, चीजें बहुत ज्यादा बड़ी थी। जैसे पुराने जमाने में टीवी आता था, कितना बड़ा था, अभी क्या हो गया, टीवी छोटे हो गया, मोबाइल फोन आता था, ट्रेन ट्रेन हेलो कबीरा स्पीकिंग, है ना, अब चीजें बदल गई। यहां पर अब देखो, यहां पर हमारे पास होते थे 658 सेक्शंस,
ओके, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर 13 पार्ट्स, 15 शेड्यूल्स, ये सब हुआ करता था। अब यहां पर क्या होता है हमारे पास सर, अगला पॉइंट जो अभी हमारे पास कंपनीज एक्ट है 2013, इसमें हमारे पास 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स हैं एंड 7 शेड्यूल्स। तो सर ये भी अपडेट हुआ है बिल्कुल पहले की तरह। हाँ, ये एक्ट भी स्मार्ट हो गया है। पहले हमारे पास अलग बॉडीज हुआ करती थी, अब हमारे पास अलग बॉडीज हैं। जब हमारे पास ये एक्ट हुआ करता था तो हमारे पास थे CLB, कंपनी लॉ बोर्ड, यहां पर बन गया है NCLT। अब देखो, लॉ ने ट्रैफिक पुलिस को अपॉइंट कर दिया जगह जगह पर, रेड लाइट लगा दी, पर अब लॉ क्यों? अगर आपको पता चले कि कोई फाइन ही नहीं है, रेड लाइट पर रुको या ना रुको आपकी मर्जी है, तो कोई रुकेगा? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा सर। तो अब हमने क्या किया, लॉ के साथ कुछ बॉडीज बना। आपने देखो भाई, सीधी सी बात है, आपको मैगी खानी है पर किसी को तो मैगी बनानी पड़ेगी। हाँ, आपने लॉ बना दिया पर लोग जो हैं उस लॉ को माने, इसके लिए बीच में कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो कोई बॉडी बनानी पड़ेगी। आपने कह दिया, मैंने बोल दिया ये पढ़ लेना और आप पढ़ लोगे, है ना? हाँ, ऐसा नहीं होता। अब ट्रैफिक रूल्स हैं, लोग उन ट्रैफिक रूल्स को माने। सरकार ने क्या किया, रेड लाइट पे कैमरे लगा दिए। तो ऐसे ही यहां पर भी इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं कहूं, या मैं कहूं कहीं पे अगर पंगा पड़ जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बॉडीज बनाई गई, जैसे कि ROC, जैसे कि RD, NCLT, ठीक है, और जहां ना समझ में आए कुछ भी, दैट इज CG। ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऐसे ही बोलता हूं बार बार कि शॉर्ट फॉर्म कभी पेपर में मत लिखना। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखकर आ गए तो उसको भी ऐसे ही समझ नहीं आएगा जैसे आपको भी कुछ नहीं समझ आया। ऐसा क्या सर? ठीक है, ROC, RD, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब पहले भी थे। ROC क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ऐसा समझते हैं कि हर एक जगह पर, हर एक सिचुएशन के अंदर आपके एरिया का एक पुलिस स्टेशन है। बिल्कुल ऐसे ही हर एक स्टेट का एक रजिस्ट्रार है। कभी प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो तो शायद आपको पता हो कि उस प्रॉपर्टी के लिए एक रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है। अकॉर्डिंगली RD कौन है, रीजनल डायरेक्टर, जो कि रीजन के हिसाब से। ओके, और NCLT, NCLT वो सिनेरियो है सर जहां पर अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, केस वाला मैटर आ जाएगा तो NCLT पे पहुंच जाए। बहुत सारी सिचुएशंस हैं, कॉम्प्रोमाइज, मर्जर, अमेलगमेशन, आपके पास मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन के केसेस हैं, उन सिचुएशंस के अंदर हम लोग NCLT पे जाते हैं। आसान शब्दों में, जहां पे हमारे को कोर्ट नहीं जाना है, पहले NCLT जाना है। कोर्ट जाके क्या करोगे, 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हो गए हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, 5 करोड़ से ज्यादा। हाँ, जुडिशरी इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। तो इन्होंने बोला सर ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाओ, ADR, शायद आपने सुना, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, उसकी बात करते। अब यहां पर क्या हुआ, हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 आया, जिसने 56 ईयर्स पुराने एक्ट को चेंज कर दिया। अब यहां पर बहुत सारी और नई नई चीजें आई। जब ये आया था तो कुछ एक नया सुनने को मिल रहा था कि भाई पुराने वाले फोन में और इस वाले फोन में फर्क क्या है, आपने जब फोन अपडेट किया तो कोई डिफरेंस होगा ना। हाँ, तो बस ऐसे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यहां पर आया, ऑडिटर्स को रोटेट करने का कॉन्सेप्ट आया, SFIO का कॉन्सेप्ट यहां पर आया, CSR का कॉन्सेप्ट आया, NFRA का कॉन्सेप्ट यहां पर आया, क्लास एक्शन सूट यहां पर आ गया। अब सर देखो, पूरे का पूरा जो कंपनीज एक्ट है, जैसे आपने सुना हो शायद कि टैक्सेस जो है वो कौन मैनेज करता है, सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट पेश होता है हमारे यहाँ पर। यस, ऐसे ही कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है, जो बॉडीज हैं वो क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ROC, ऑफिशियल लिक्विडेटर, डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन, NCLT और NCLAT, साथ ही साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सर हमारी स्टेट में भी है ये, बिल्कुल है, आओ दिखाता हूं अभी आपको हर एक चीज। यार मैंने बताया क्लासेस आर मच मोर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्रोचेस, सब चीजें आपको प्रैक्टिकल दिखाई। ये देखो, ये आपकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है। हम लोग बात करें जो अभी बात कर रहे थे, MCA हमारा जो हेड ऑफिस है, दिस इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जाना है तो नेविगेशन यहाँ से ऑन करके अपने घर से रास्ता देखिए। ठीक है जी, आगे चलें सर। उसके बाद डायरेक्टर जनरल की हम लोग अगर बात करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑफिस,
उसके अलावा बाकी के ऑफिसर्स, जैसे मैंने आरडी की बात करी, आरओसी की बात करी, आरओसी कितने हैं सर ये देख लेते हैं पहले, तो कह रहा है बिल्कुल आरओसी दिखाओ सर। मैंने कहा आरओसी देख लो, आओ देखो आरओसी जो है ना बहुत सिंपल सा फंडा है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ने के। अब आरओसी क्या है, अंडर सेक्शन 609 ऑफ कंपनीज एक्ट, पुराने वाला, वहां पर अपॉइंट किया गया था। और यहां पर क्या था, जब भी हम लोग बात करें कंपनी रजिस्टर करने की तो आरओसी से काम पड़ता है। कंपनी जब आप बनाओगे, आप वही पैदा हुए, आपका नाम रखा गया ना, मेरा नाम रखा गया दिव्य मिगलानी, मिगलानी तो खैर पहले से ही था दिव्य, है ना, नाम रखा। ऐसे आप अपनी कंपनी का भी तो नाम रखोगे। हाँ, अब मैं अपनी कंपनी का नाम रखता हूँ रिलायंस, सर कैसे रख लोगे रिलायंस, रिलायंस तो ऑलरेडी है मुकेश भाई, मुकेश भाई कैसे बोल रहे तुम्हारे घर में रखता है, तो मुकेश भाई की ऑलरेडी ये कंपनी है, है ना। मैं अदानी रख लेता हूँ, सर अदानी भी नहीं रख सकते ऑलरेडी, ये सब कौन डिसाइड करता है, आरओसी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कि आपके पास जो जो कंपनीज एक्ट ने बोला है आप उस हिसाब से चल रहे हो या नहीं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया तो वो चेक करते हैं कि आपने हेलमेट डाला है, आपके पास प्रॉपर जो आपकी बाइक या स्कूटी जो भी आप चला रहे हैं उसके पेपर हैं, नहीं है। ऐसे ही ठीक इसी तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेशन को लेकर सारी की सारी चीजें कौन चेक करता है, आरओसी। आरओसी एक बढ़िया लेवल का ऑफिसर है, कंप्लेंट भी बहुत जगह हो सकती है। अब पूरे इंडिया में इतनी सारी जगहों पर आरओसी है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर एक स्टेट में, अब आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग देख भी सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली और हरियाणा, इनका एक ही आरओसी है, वैसे स्टेट स्पेसिफिक होते हैं पर दिल्ली और हरियाणा दोनों के लिए एक ही आरओसी है, ये रहा एड्रेस, ये रही डिटेल्स, कह रहा ओके। कह रहा सर ऐसे ही गोवा और दमन एंड दीव के लिए स्टेट के हिसाब से होता है, पर हमारे पास गोवा एंड दमन एंड दीव का एक ही आरओसी है, कह रहा है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर काम बहुत है सर, तो महाराष्ट्र में मुंबई रीजन के लिए अलग आरओसी है और हमारे पास पुणे रीजन के लिए अलग आरओसी। सर बाकी का महाराष्ट्र इसी में दो को, पूरे महाराष्ट्र को दो में डिवाइड किया है। तमिलनाडु में चेन्नई के लिए अलग आरओसी है, कोयंबटूर के लिए हमारे पास अलग आरओसी है, जैसा कि आप यहां देख भी पा रहे हैं, ठीक है, आसान है। अब एक और चीज को देखते हैं सर, एक और चीज को देखते हैं सर, तो ये कितने हैं, अरे काउंट करके क्या करोगे यार, काउंट करके क्या करोगे, काउंटिंग कर लेना, देखो मैंने ऐसे काउंटिंग तो नहीं करी। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे आरडी की, लो आरडी चेक कर लो, ठीक है। आपने देखा भाई टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं हमारे पास, रीजन के हिसाब से नॉर्थ का अलग, नॉर्थ ईस्ट का अलग, सॉरी नॉर्थ ईस्ट का अलग, ईस्टर्न का अलग, वेस्टर्न का अलग, साउथ ईस्ट का अलग और सदर्न का अलग, ये रही डिटेल्स, ठीक है। जैसे मैं अगर अपना देखूंगा तो मैं नॉर्थ का देखूंगा, भाई मैं तो दिल्ली में हूं, तो ये कहां बैठते हैं भाई साहब, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बैठते हैं, ये रहा ऑफिस, ओके। आरओसी की डिटेल ये रही कि इस, ये आरओसी है और ये आरडी आपके, ओके। तो सर आरओसी इतने सारे हैं, हाँ आरओसी बहुत सारे हैं, हाँ, और आरडी इतने कम है। आरओसी स्टेट के हिसाब से है, आरडी रीजन के हिसाब से, और क्या देखा था आपने मेरे साथ, और बस यही तो देखा था, आरओसी है, आरडी है, और क्या देखा है, और सर हमने देखा है एनसीएलटी, हाँ ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये लो ऑफिशियल लिक्विडेटर के ऑफिसर्स देख लो। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेगा, जब सीधी सी बात है सर, ये दे आर अटैच टू हाई कोर्ट, सीधी सी बात है, और यहाँ पर जब भी कभी मौका मिलेगा कंपनी को बंद करने का, वाइंड अप करने का, कि कंपनी बंद कर दो भाई, बंद कर दो, तो ये लोग बीच में आएंगे। ओ अच्छा, अब ये सब ऑफिसर्स की कॉन्टैक्ट्स ऑफ, ई कॉन्टैक्ट्स ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या देखा, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, एनसीएलटी की तो खैर डेफिनेशन ही अलग है, सॉरी वेबसाइट ही अलग है, यहाँ पर चीजें वो नहीं देखने को मिलेंगी। ऑफिशियल लिक्विडेटर, डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन, नहीं इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टर ग्रीवांसेस सेल, लाइजन ऑफिसर्स, ऐसे बहुत सारे हमारे, ठीक है। खैर एनीवेज, अब इस बात को ब्रेक लगाते हैं, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं अपने आप बताऊंगा, इन चीजों को याद करना शुरू कर दो, अभी तो ज्ञान की बात है, बटोर लो जितना बटोरना है। अब ये चीजें इंटर से अलग है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी नॉलेज दी जाए, जो पेपर के लिए रेलिवेंट होगी वो और अलग, पर ये चीजें आपको बाकी लोगों से अलग करती है, जिंदगी में प्रैक्टिकल ही काम आने वाला है, आपको यहीं पर दिखा रहा हूं, है ना। देखो हमारे यहाँ पर इंडिया की पढ़ाई और बाहर में, जब बाहर जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ते हो तो डिफरेंस यही आता है, हमारे यहाँ थ्योरेटिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल चीजें नहीं दिखाई जाती, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता,
हम लोग प्रैक्टिकल पे भी बात करते हैं। चलो भाई खैर एनीवेज, अब हमारे पास ये सारे ऑफिसर्स हैं। अब यहाँ पर सर देखो पावर जो है, आपने कभी देखा सरकार खुद काम करती है, आपको सरकारी ऑफिसेज में जाना पड़ता है? हाँ, तो आपने कभी खुद तो नहीं देखा कि मोदी साहब खुद आ गए हैं या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट खुद आ गए हैं काम करने के लिए? नहीं, उन्होंने बॉडीज बनाई हुई है आगे आगे काम करने के लिए। आप फोन करके कहते हो तो मैं तो नहीं उठा। आपने, मैंने कहा हाँ मैं दिव्यांग सर एडमिशन के लिए पता करना था। हाँ बोलो बोलो, मैं ही बोल रहा हूँ, टीचर्स की बात हो रही है सीधा। ऐसा तो नहीं होता, तो अलग अलग बॉडीज हैं। ऐसा तो नहीं होता मैं आते ही सुबह झाड़ू लगाना शुरू करता हूँ, नहीं, तो अलग अलग बॉडीज बनी हुई हैं। ऐसे ही सरकार ने भी ये बॉडीज को बनाया हुआ है काम करने। अच्छा, तो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जितना काम है वो ये सब करेंगे? बिल्कुल, अकॉर्डिंगली ये सारी पावर, पहले बहुत कम पावर होती थी, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती थी। आज के टाइम पर हार्डली 25% पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, बाकी सारी की सारी 75% पावर लगभग इन बॉडीज को ऑलरेडी दे दी गई है। अब आगे चलते हैं सर, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है सर, एनसीएलटी तब आएगा जब लड़ाई झगड़े वाला मैटर होगा। बिल्कुल, कह रहा अब कंपनी क्या है? मैंने कहा यार कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कह रहा आर्टिफिशियल पर्सन? मैंने कहा हाँ। कह रहा कंपनी क्या है? मैंने कहा आर्टिफिशियल पर्सन है। मैंने कहा आर्टिफिशियल क्यों है? मैंने कहा कभी आपने कंपनी को सड़क पर जाते हुए देखा है? कभी आपने देखा हो चलो रिलायंस को लड़का हुआ है, या इंफोसिस माँ बनने वाली है, या कभी आपने सुना हो सलमान खान ने रात को टक्कर मारी और तीन कंपनी मर गई? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना सर? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आपकी और हमारी तरह जीता जागता आदमी नहीं है, जीता जागता बंदा नहीं है। ओके, अकॉर्डिंगली अब मैं कहूं कि लीगल और ज्यूरिस्टिक पर्सन है। आपने कंपनी कभी ऐसा नहीं देखा होगा कंपनी सड़क पर खड़े होकर छोले भटूरे खा रही है, भैया दो प्लेट छोले भटूरे, कौन आया रिलायंस के पैक कर दो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अकॉर्डिंगली लीगल और ज्यूरिस्टिक पर्सन, ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी सर ऑल टुगेदर एक लीगल पर्सन है जिस पे आप केस भी फाइल कर सकते हो और कंपनी आप पर भी केस फाइल कर सकती है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, इट कैन सू एंड कैन बी सूड। याद है आपने ओ माय गॉड देखी है, तो आपने देखा होगा वहां पर कि कांजी लाल जी मेहता ने सामने इंश्योरेंस कंपनी पे केस फाइल कर दिया था। तो कंपनी पर, कंपनी दिखती तो नहीं है किसी को, दिखती तो नहीं है, पर केस फाइल कर सकते हो, लीगल पर्सन। ओके, कंपनी के पास क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन। सुना हो कभी परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है? आसान शब्दों में लाइफ टाइम वैलिडिटी। बहुत टाइम पहले आपका जो फोन है जिसमें आप हर महीने रिचार्ज करवाते हो, इसी में बहुत टाइम पहले क्या होता था? लाइफ टाइम वैलिडिटी थी सर, कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन नहीं है कह रहा ना, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी हुआ करती थी। और ये होता था सीधा सा काम कि भाई आप रिचार्ज करा लिया आपने, अब जिंदगी भर की वैलिडिटी आपको मिल गई। आप फोन करो ना करो, आप एसएमएस करो ना करो, इंटरनेट चलाओ या ना चलाओ, फोन नंबर बंद नहीं होगा। सेम इज लाइक कंपनी। न जाने आज कितने लोगों ने रिलायंस के शेयर खरीदे, कितनों ने बेच दी। ठीक है, कितने सारे मेंबर्स आज भगवान को प्यारे हो गए होंगे, कितने सारे मेंबर्स और नए, खैर माइनर तो क्या ही खरीदेगा, भी पैदा हो क्या शेयर खरीदे। तो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर में गो, बट कंपनी पे की एग्जिस्टेंस में फर्क पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है सर। ओ, इसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। और मैंने बोला नेक्स्ट सेपरेट फ्रॉम द मेंबर। अब एक बात बताओ यार, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, ठीक है, तो आसान शब्दों में मालिक हूं वहां का। हाँ सर, मालिक हो बिल्कुल। तो मैं रिलायंस में जाकर कह दूं, मैं रिलायंस में जाकर ये कह दूं, आप, मैं जा रहा हूं सड़क पे, आपने मेरे को बढ़ लिया, ओए इधर। आप कौन है? आप रिलायंस को मान लेते हैं कोई भी चीज है, एक सर्विसेज देते हैं, आपके पैसे नहीं मिले, मैंने बोल दिया मैं रिलायंस का मालिक हूं, मेरे पास शेयर है, आपने मेरे को पकड़ लिया, चार पांच लड़के लेकर आ गए, आपने पकड़ लिया, तेरी अच्छे से पैसे कब देगा हमारे? मैं कहा भाई एक मिनट, आपने बोला कि वीडियो दिखाई थी ना आपने, मालिक हूं ना रिलायंस के। मैंने कहा एक मिनट, मैंने कहा इट इज कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मैंने कहा भाई कंपनी अलग है, मैं कंपनी अलग है, मैं अलग हूं। कंपनी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, मेरी अपनी अलग आइडेंटिटी है। मैं कह जाके कंपनी से पैसे मांगो, मेरे को मत पकड़। ओह ऐसा क्या? हाँ, मैं, मेरे को नहीं पकड़ सकते तुम, मैं कंपनी के शेयर होल्डर जरूर हूं पर मेरे को कुछ नहीं कहोगे। जाके कंपनी में जाओ, उनके एम्प्लॉयज, उनके मैनेजमेंट से बात, मेरे को मत पकड़ लेना सर। ओके, बता दिया आपने, वरना हम तो पीट देते किसी दिन। अरे देखो, अब कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी क्या है? कह रहे सर कंपनी वो है जो
इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, या तो फिर कोई पुराना प्रीवियस कंपनी लॉ। पुराना प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब जहां पर, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1913 है, कंपनीज एक्ट 1956 है, उससे पुराने वाले कंपनीज एक्ट हैं। आपने यहां बनाई हो कंपनी, चाहे वहां बनाई हो, ठीक है। अब भाई ऐसा नोट का सिस्टम नहीं है ना कि अब मैं तो पैदा हुआ था 1990s में, अब ऐसा तो नहीं है। अब मैं भाई पुराने नोट बंद हो गए तो सर आप भी बंद हो गए, ऐसा नहीं है। अपने कंपनी चाहे आज बनाई है इस एक्ट में, चाहे आपकी कंपनी एमडीएच की जितनी पुरानी है, टाटा की जितनी पुरानी है, कह रहा हम फिर भी उसे कंपनी ही कहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत बढ़िया, कह रहा ठीक है। कह रहा अब कंपनी क्या है? मैंने कहा यार एक लीगल पर्सन, साथ में आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स, और साथ ही साथ जहां परपेचुअल सक्सेशन भी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी है, परपेचुअल। अब किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो तो मेरा नंबर आपको मिल ही जाएगा अगली एक दो क्लासेस के अंदर, ठीक है। वहां पे हाथ क्या 24/7 है, समझो मेरे पास डाउट रेजोल्यूशन। अब कंपनी के फीचर्स क्या है? कह रहे सर कंपनी की एक अलग इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है। मैंने कहा ओके, अब एक बात बताओ, अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस बनाया, मैंने कहा अब अगर ये मुकेश अंबानी जी की डेथ हो जाती है, भाई साहब भाई लाइफ है, किसी का कुछ नहीं पता कब कौन निकल ले, हाँ तो कर सर क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं। मैंने कहा क्यों? अभी तो आपने बताया कि भाई हम लोग अलग हैं, कंपनी अलग है। ओके, डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। अब अगर कोई भी कंपनी की अगर मैं बात करूं, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर, जिन भी लोगों ने वो कंपनी बनाई है, जितने भी लोगों ने वो कंपनी बनाई है, वो सब लोग अलग हैं, वो सब लोग अलग हैं और वो कंपनी अलग है। अब मैं कहता हूं भाई चार लोगों ने मिलके एक कंपनी बना ली जिसका नाम है नवरत्न प्राइवेट लिमिटेड। अब ये चारों बंदे अलग है ना, कंपनी अलग है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेट नहीं, ठीक है। आपने शायद सॉलमन एंड सॉलमन का केस कभी पढ़ा हो, कहीं पर भी पढ़ा हो तो ऐसा, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी। अब मैं तो भाई यहाँ बैठ बैठ के चिल्ला रहा हूँ जोर जोर से, तुम्हारा भाई रिलायंस का मालिक है, रिलायंस का मालिक है। एक बंदा आ गया बैंक वाला, मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा मैंने पैसे लेने हैं रिलायंस से। मैंने कहा हाँ, तो मेरा ऐसा मुंह बन गया एकदम से। मैंने कहा पैसे लेने हैं रिलायंस से तो? कह रहा पैसे दे दो, तुम मालिक हो ना। मैंने कहा भाई एक मिनट, मैं कहा मेरा मुंह से निकल गई थी, क्या बात कर रहे हो तुम? कह रहा नहीं, अभी आपने बोला कि आप रिलायंस के मालिक हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो पैसे दो। रोना मत सर। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने कहा देखो यार, ये लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, पहली बात तो इस चीज को समझो, दिस इज ऑफ मेंबर्स। जितने भी मैं हमारे जैसे मेंबर्स हैं, जितने भी मेरे जैसे मेंबर्स हैं, पहली बात तो हमारे को बिजनेस में डे टू डे अफेयर्स में कोई लेना देना नहीं है। आप डे टू डे अफेयर्स में रिलायंस क्या कर रहा है क्या नहीं, मैं जाके कल को बैठ जाऊं रिलायंस के ऑफिस में, वो मैं बोल दूं मुकेश अंबानी का, मैं कह अरे मैं यार तुम कौन? मैंने कहा मैं मालिक, मालिक भगा देगा वहां से। डे टू डे अफेयर्स में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, घुसने भी नहीं देगा मेरे को। मैं बोल दूं कि यार मेरे को दो प्रिंटर दे दे, नहीं देगा। कंपनी की प्रॉपर्टी में मेरा कोई लेना देना नहीं है। कह रहा सर देखो, ऐसे ही कंपनी के जो बिजनेस डेट्स हैं उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। कहा अच्छा। कह रहा आप एक मेंबर हो, आपकी लाइबिलिटी इज लिमिटेड, योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स और गारंटी। अब मान लो मैंने रिलायंस का शेयर लिया, ठीक है, और वो शेयर कितने का था? 100 रुपीज का था। 50 रुपीज मैंने दे दिए और 50 रुपीज मेरे पास अभी अनपेड है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मेरी लाइबिलिटी कितनी बनती है? सिर्फ 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपीज की लाइबिलिटी और है, वो 50 रुपीज आप दे दो सर, बात खत्म। ओके ओके ओके, ठीक है। कह रहे सर जहां पर भी एक कंपनी को जब भी हम लोग रजिस्टर करते हैं तो वहां पर मेंबर्स लाइबिलिटी बिकम्स लिमिटेड, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम और द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय देम। आपके पास जितना भी अमाउंट अनपेड अमाउंट है उससे ज्यादा की लाइबिलिटी आपकी हो ही नहीं सकती। ये पेपर में एक बार क्वेश्चन आ गया, उन्होंने पूछ लिया कि सर एक बात बताओ, ये जो लाइबिलिटी है विच इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन,
ये लायबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? कंपनी की, बिजनेस डेट्स की, मेंबर्स की या डायरेक्टर्स की? मैंने कहा मेंबर की। मेरे जैसे न जाने कितने लोग जो अपने घरों में बैठे अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे अपने अपने काम कर रहे हैं। तो कह रहे सर बात को सुन, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर एक बैंक ने रिलायंस से पैसा लेना है तो रिलायंस को तो उसको उस बैंक का पैसा देना ही पड़ेगा, बस वो बैंक आपके पास नहीं आएगा, आपकी लायबिलिटी नहीं है। और अगर आपसे सर मेरी लायबिलिटी कितनी है, अनपेड अमाउंट, और ये मेरे को पैसे किसको देने हैं? कंपनी को, रिलायंस को। रिलायंस का शेयर लिया 10 रुपए का, 5 रुपए दे दिए, 5 रुपए अभी अनपेड है, तो मेरी लायबिलिटी बस 5 रुपए की है। और मेरे से कोई बैंक नहीं मांग सकता, मैं रिलायंस को ही दूंगा, ये रिलायंस 5 रुपए तेरे, रो मत, ये ले 5 रुपए। सिंपल है, ओके ठीक है। अब कब पे करना है? व्हेन इट इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी, जब भी कंपनी कॉल करे तब। अच्छा, तो सर अगर कंपनी ने फोन कर करके कंपनी आपसे पैसे मांग रही है और कंपनी को आप पैसे ना देके गोली दे रहे हो, तो कोई बात नहीं, कंपनी मेरे शेयर्स को फॉरफीट कर लेगी। फॉरफीचर ऐसा कुछ पढ़ा है? 11th 12th में कभी पढ़ा होगा, इंटर में कभी पढ़ा होगा अबाउट केस ऑफ फॉरफीचर हो जाता है, री इशू कर देते हैं। हाँ, आप देखो अगली बात आती है परपेचुअल सक्सेशन पे। परपेचुअल सक्सेशन, यस, परपेचुअल सक्सेशन होता है आसमान की तरह, ऊपर स्काई है, ये तो स्काई तो रहता ही रहता है, न जाने कितने लोग दुनिया में आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। रिलायंस में आज न जाने कितने हजारों लोगों ने शेयर खरीदा होगा, न जाने कितने हजारों लोगों ने शेयर बेच दिया होगा आज रिलायंस। रिलायंस को कोई फर्क पड़ रहा है? कहता नहीं। कह रहा सर ऐसे ही मेंबरशिप जो है वो कंपनी की चेंज होती रहती है, आज मैं मालिक हूं, कल को पता चलेगा मेरे पड़ोस में कोई बंदा रहता है वो मालिक बन गया रिलायंस का, फिर बाद में पता चलता है कपिल शर्मा ने शेयर ले लिए, विराट कोहली ने, अनुष्का शर्मा ने शेयर खरीद दिए, बाद में पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप ने खरीद लिए, बाद में पता चलता है कोई और खरीद रहा है, हमारे पड़ोस में चाय वाला है वो खरीद रहा है। कुछ भी हो सकता है सर, मेंबरशिप तो चेंज होती रहेगी ना। मैंने कहा तो कह रहे सर हम ये क्या करें, रिलायंस तो परेशान हो जाएगा इसमें। कहता नहीं, बट इससे इट डज नॉट अफेक्ट द कंपनीज कॉन्टिन्यूटी। अब मेरे पास शेयर्स थे, मैं निकल लिया, भगवान को प्यारा हो गया। डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स डज नॉट किसी भी तरीके से कंपनी की कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं डालती है। एक और चीज को समझते हैं यहां पर, कह रहा हाँ जी बोलो। कह रहा देखो मेंबर्स में कम एंड द मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी हमेशा मेंबर्स आएंगे और मेंबर्स जाएंगे, बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, बहुत सारे मेंबर्स चले जाते हैं। कह रहा सर कंपनी पे इस बात का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ऐसा क्या? कह रहा हाँ, इससे कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब चलो एक बहुत छोटी सी चीज पूछूं। हाँ, एक कंपनी में, ठीक है, फॉर नॉट द पीपल हु हैव फाउंड। देखो एक कंपनी के अंदर मैं ये बोलता हूं कि चार दो बंदे थे, हाँ, और दोनों बंदों ने मिलकर कंपनी बनाई। कौन है? छोटा भीम और कालिया, दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई। अब अगर हम लोग बात करें, छोटा भीम और कालिया एक बार सड़क क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, सामने से सलमान खान गाड़ी लेके आता, दोनों को उड़ा देता। ओके, अब इन्होंने जो कंपनी बनाई थी उसका क्या होगा? वो कंपनी भी खत्म, क्योंकि दो ही मेंबर थे, दोनों के दोनों गए, कैसा होगा सर? हाँ, कंपनी बंद नहीं, परपेचुअल सक्सेशन। अभी तो बोला मेंबरशिप आज छोटा भीम और कालिया के पास है, तो क्या हुआ, कल हो सकता है कोई और खरीद लेगा, टॉम एंड जेरी ले लेंगे, यार क्या फर्क पड़ता है। कंपनी गोज ऑन पार्टनरशिप नहीं है जो बंद हो जाएगी भाई, लाइफ टाइम वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट को याद रखो। ओके, अब अगर मान लो, चलो मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने क्या सुना है, किस बारे में सुना है, हमने सुना है सर सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है? एमडीएच वाली है। एमडीएच की एडवर्टीजमेंट के अंदर एक बहुत पहले एक अंकल जी आया करते थे, जो जिनकी एज शायद 90+ हुआ करती। अब मुझे पता नहीं वो है या नहीं है, अब तो कोई और आता है ना एडवर्टीजमेंट के अंदर। अब वो अंकल जी जो सफेद दाढ़ी वाले हैं, उन्होंने ये कंपनी बनाई थी। दिखाऊं फोटो? दिखाऊं? याद आ जाएगा। अब वो तो नहीं रहे, क्या कंपनी बंद कर दें? जिसने कंपनी बनाई थी वो तो नहीं रहे, अब कंपनी बंद कर दें? नहीं सर, ऐसे तो धीरू भाई अंबानी ने बनाई थी कंपनी, रिलायंस बंद थोड़ी कर सकते। क्यों सर? मेंबरशिप विल कीप ऑन चेंजिंग ना, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। शाबाश, जमशेद जी टाटा जी ने टाटा कंपनी की शुरुआत करी थी, है ना, और अकॉर्डिंगली बंद थोड़ी कर देंगे भाई। जिसने बनाई थी वो नहीं रहे, पर बिजनेस तो आगे चल रहे हैं ना, कंपनी की तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कंपनी तो चलती रहेगी, परपेचुअल सेशन।
ओके ठीक है यार। आप देखो अब रिलायंस है, रिलायंस के नाम पर अपने पास प्रॉपर्टी है, रिलायंस की तो प्रॉपर्टी बहुत है, रिलायंस की तो प्रॉपर्टी बहुत है, पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अब अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की प्रॉपर्टी रिलायंस के नाम पर, चलो मान लेते हैं, मैं कहता हूं एक लैंड है, रिलायंस ने मॉल्स बनाने भी शुरू कर दिए, मैंने सुना मॉल्स हैं भी मुंबई में तो, हाँ भी हैं, अब नहीं सर बहुत पुरानी बात हो गई है। इस देश में ना कुछ भी काम है घूम फिर के 10-12 बंदे हैं जिनका बिजनेस है, 12 बंदों से ज्यादा कोई नहीं कमा रहा मेरे हिसाब से देश में, 12 पीपल। एक लैंड है, ये लैंड रिलायंस के पास, ठीक है जी, ठीक है। कह रहा अब रिलायंस चाहे तो कोई भी लैंड है या कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट है, उसको खरीद सकता है, मतलब अपने पास रख सकता है, बेच सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अभी आपने तो बताया लीगल पर्सन, इट इज कैपेबल ऑफ ओनिंग एंजॉयिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कह रहा हाँ बिल्कुल, कह रहा ऐसे ही। अब कंपनी का, जो कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी रिलायंस, इस लैंड का क्या बन गया ओनर। मैंने कहा अच्छा ओके, अब रिलायंस ने लैंड खरीद लिया, मैं फटाफट पहुंच गया वहां पे, मैंने कहा यार हेलो, मैं शेयर होल्डर। कह रहा तो मैंने कहा यार ये प्लॉट में ये थोड़ी सी जगह काट के मेरे को दे दे, मेरे को ऑफिस बनाना है यहाँ पे यार, ऑफिस कम छोटा पड़ रहा है, बड़ा ऑफिस चाहिए मेरे को। क्या कहता, मैं कहा ज्यादा नहीं 5,000 स्क्वायर फिट के आसपास हो बढ़िया रहेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वहां पहुंच गया रिलायंस के ऑफिस में, पता चला रिलायंस ने 20 मतलब 200 नई कार्स खरीदी हैं। मैं पहुंच गया, मैंने कहा यार 2-3 गाड़ियां मेरे को दे दो, घर में चाहिए, हो जाएगा ऐसे? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज शेयर होल्डर्स आर नॉट सेवरल और ज्वाइंट ऑनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। शेयर होल्डर किसी भी हाल में कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है सर, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आप कल को जाके ये नहीं कह सकते कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी मैनेज कर रही है, कंपनी डिस्पोज ऑफ करेगी, रिलायंस देखेगा इस लैंड का क्या करना है। तुम कल को जाके ये नहीं कह सकते चल यार थोड़ी सी जगह दे दे मेरे को यहीं पे, मैं अपना फार्म हाउस बना लूंगा यार, इतने तेरे पास इतने किलोमीटर की जगह है, मेरे को थोड़ा सा दे दे, क्या दिक्कत है, मैं भी तो मालिक हूं। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है भाई। ओके ठीक है, प्रॉपर्टी जो भी है वो सीधा सीधा चाहे ज्यादा है कम है, ठीक है, That will remain vested in the company. कंपनी अपने आप ही असाइन कर सकती है, गिरवी रख सकती है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है। क्या ये सारे के सारे डिसीजन सर रिलायंस लेगा, आप एज अ शेयर होल्डर आपका कोई भी राइट वहां पर नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी की। मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, हाँ कितनी बार बता दिया आपने रिलायंस के शेयर, रिलायंस के शेयर किसी और कंपनी में बताओ, चलो ठीक है। मेरे पास इंफोसिस का शेयर है, बताओ ये ट्रांसफरेबल सर प्राइवेट कंपनी में नहीं होते, पब्लिक कंपनी में। पर अगर सीधी सीधी टर्म्स में बात करें तो सर 4 शेयर मेरे पास हैं, 4 शेयर मैंने आपको दे दिए, फिर 4 शेयर आपने किसी और को दे दिए, ठीक है, वही 4 शेयर फिर किसी और ने खरीद लिए। तो 4-4 शेयर की बात करें, ये तो सेक्शन नंबर 44 कहता है कि शेयर हो चाहे डिबेंचर्स हो या किसी और तरीके का इंटरेस्ट हो कंपनी के अंदर, कह रहा वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसे ट्रांसफर किया जा सकता है उस तरीके से जैसा आपको कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। चार 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 लोग हैं, 4-4 शेयर सबके पास हैं, सेक्शन नंबर 44, ठीक है। अब तरीके कई होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर मेरे पास रिलायंस के शेयर है, OLX पे बेच दूं। नहीं मेरे दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉक एक्सचेंजेस पर ही सेल होते हैं, आपके पास जो डीमैट अकाउंट्स है वहीं से सेल होते हैं। एक जमाना था जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स थे, जो गुरु या कोई ऐसी बिग बुल नाम की जैसी वेब सीरीज आपने देखी हो या मूवीज आपने देखी हो, तो वो फंडे अलग थे, बट अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही चलता है। अब अकॉर्डिंगली मेरे पास रिलायंस का शेयर है, भाई मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े, मैं उसमें वहीं रखे रहने दूं या रिलायंस में लगा दूं? रिलायंस में लगा देता हूं यार, जरूरत पड़ेगी शेयर बेचूंगा, हाथ के हाथ पैसे आ जाएंगे, निकाल लूंगा, क्या दिक्कत है। दिस प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर एंड मोर ओवर स्टेबिलिटी टू द कंपनी ऑल्सो, ठीक है। अब देखो बहुत बार आपको क्या करना होता है कि आपको कोई भी चीज खरीदनी है बेचनी है, आप साइन करते हो बहुत सारी जगह। हाँ हम लोग साइन करते हैं सर, बचपन में मैंने अपने दोस्त के साइन क्या कर दिए थे, उसके पापा के साइन कर दिए, किसी की मम्मी के साइन कर दिए, हाँ ठीक है ठीक।
पर अब एक बात बताओ, कंपनी के भी तो साइन होते होंगे। हाँ, बहुत बार स्टैंप लगाई जाती है, साइन किए जाते हैं। हाँ यस, तो बस यहाँ पर हमारे पास एक होती है कॉमन सी। ठीक है, आप जैसे स्टैंप लगाते हो, मुझसे अगर कोई बात करेगा, सर इसको सर्टिफाई कर दो, मैं अपनी स्टैंप लगाऊंगा, साइन कर दूंगा, दैट्स इट, हो गया। इसमें मेरा मेंबरशिप नंबर लिखा है, मेरा नाम लिखा है, ये सब चीजें लिखी। ओके, तो कॉमन सील क्या है? इट वर्क्स एज अ सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और दूसरी बात, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि हर एक कंपनी के पास कॉमन सील होनी चाहिए। पहले तो ये मैंडेटरी हुआ करता था, पर बाद में ये हो गया ऑप्शनल, ऑप्शनल हो गया। हाँ, बाद में जाके ये कहा गया कि सर आपके पास कॉमन सील है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इन द ईयर 2015 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने कॉमन सील को क्या कर दिया, नाउ इट इज ऑप्शनल। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 था, सेक्शन नंबर 9 जो बताता है अबाउट कॉमन सील, जिसने आकर यहां पर क्या कर दिया, नो लगा दिया। इसने बोला पहले मैंडेटरी था, इसने बोला मैंडेटरी नो, नो मैंडेटरी नहीं है। ओके, ठीक है, अगर किसी भी कंपनी ने कॉमन सील को अडॉप्ट कर रखा है तो सर बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रखा तो कह रहे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। अच्छा, कह रहे बस एक चीज का ध्यान रखना, जब जब आपने कॉमन सील लगाई, कॉमन सील कैसी होती है पता है आपको? नहीं पता, दिखा दूं। हाँ, कॉमन सील एक ऐसी होती है जिसमें इंक नहीं होती। दरवाजे में हाथ आया कभी? नहीं, कभी उल्टा सीधा सो गए हो हाथ के ऊपर ऐसे करके, तो क्या होता है, हमारा इंप्रेशन पड़ जाता है इसके ऊपर, पर उसमें कोई इंक नहीं होती। कॉमन सील ऐसी ही मशीन होती है जिसके अंदर इंक नहीं है, पर आपने स्टैंप लगाई तो स्टैंप लग जाएगी। ओ ऐसा क्या? ठीक है, दिखा देता हूँ। टैन टैन, ये रही कॉमन सील। देखो तो ऐसी एक मशीन होती है, और स्टैंप लगाओगे तो ऐसी कुछ एक स्टैंप बनकर आती है। इंक कहीं भी नहीं है, बस पेपर को अगर ऐसे दबा दोगे दो चीजों के बीच में, वो स्टैंप लग जाएगी। ओके, जब भी कॉमन सील लगाओ तो इस सिचुएशन के अंदर दो लोग साइन करते हैं, पहला दो डायरेक्टर्स से साइन करवा लो, या तो फिर एक डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। सर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, दो डायरेक्टर्स तो होंगे ही, अब ये मत बोलना दो डायरेक्टर भी नहीं है, तो कॉमन सील मत लगाओ, वैसे ही मैंडेटरी नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट के मामले के अंदर चीजें थोड़ी सी अलग है। उम्मीद करता हूँ यहां तक समझ में आ रहा होगा, नहीं आया कुछ भी तो प्लीज मुझे बताना मत। ठीक है, सेक्शंस की टेंशन मत लेना, सेक्शन तो ऐसे याद कर। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है अबाउट लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। पुराने जमाने का एक गाना याद आ रहा है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो राज खुल जाएगा, ऐसा कुछ था ना। इसी बात पे आपको एक बढ़िया सी इमेज दिखाते हैं सबसे पहले। चलो भाई, आ गई हमारे पास भी इमेज। ये क्या हो रहा है सर? ये तो इधर इंजॉय कर रहे हैं ये लोग बैठ के कुछ। हाँ, और ये क्या है? ये हमारे पास है जुडिशरी इस साइड पे, या फिर आप कह सकते हो लॉ इस साइड पर है। ठीक है, जुडिशरी इस साइड पर है, कोर्ट कचहरी। ठीक है, और अकॉर्डिंगली मेंबर्स या शेयर होल्डर्स इस तरफ है। और ये क्या है? दिस इज कॉर्पोरेट वी। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है कॉर्पोरेट वील का। अब समझते हैं होता क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी भी दुकान पर अगर जाते हो तो आपको वहां पे दुकान पे काम करने वाला स्टाफ दिखता है, पर आपको नहीं पता मालिक कौन है। हाँ, अगर मैं कहूं कि मैं अपने dm.com पर कौन मालिक है कौन नहीं, आपको नहीं पता। आप चलो मैं कहता हूँ आसान शब्दों में, एक और देखो, आप रिलायंस फ्रेश पे चले जाओ, रिलायंस फ्रेश है, शॉपर स्टॉप है, लाइफ स्टाइल है, बिग बाजार है, आप वहां जाते हो आपको कौन दिख रहा है सामने? सर हमारे को वहां पर काम करने वाला स्टाफ दिख रहा है, एब्सोल्युटली। आपको वहां पर काम करने वाला मैनेजमेंट दिख रहा है, और वो मैनेजमेंट अगर मैं कहूं कि किसके इशारों पर काम करेगा, सर जैसा उसको मालिक बोलेगा छोटू तो वैसा ही काम करेगा, या इम्प्लॉयज तो वैसा ही काम करेंगे जैसा उनको मालिक बोलेगा, जैसा उनको एम्प्लॉयर बोलेगा। तो अगर मैं कहूं कि डायरेक्टर्स वही काम करेंगे जो शेयर होल्डर उनको बोलेगा, तो क्या मैं सही कह रहा हूं? सर शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर्स यानी कि ओनर्स। हाँ, जैसा ये बोलेंगे वैसा ही तो इंप्लॉइज काम करेंगे। हाँ, दुकान का एग्जाम्पल ध्यान में रखना, दुकान पर जो लोग हैं
वो वैसा ही काम करेंगे जैसा मालिक बोलकर चाहेगा। मालिक बोलेगा आज दुकान बंद कर देना 2 बजे, तो 2 बजे बंद। ओके ठीक है। अब ये कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉर्पोरेट व्हील क्या है? एक पर्दा है। कहता है सर ये एक पर्दा है। मैंने कहा अच्छा ये पर्दा है। कह रहा हाँ। कह रहा इस पर्दे के आगे हमेशा से ही आपको यहां पर मैनेजमेंट दिखता है। उस मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है? वहां के डायरेक्टर्स आते हैं, वहां के सीनियर ऑफिशियल्स आते हैं, और साथ ही साथ मैं कहता हूं वहां के एम्प्लॉयज आते हैं। बट पीछे अल्टीमेटली ये जो कॉर्पोरेट व्हील है एक पर्दा है, पर्दे के पीछे कौन है कौन नहीं? आपने वो देखा है वो कठपुतलियों वाला डांस होता है बहुत जगह। पर्दे के पीछे कौन है, चला कौन रहा है इन सब चीजों को, ये नहीं पता हो, तो इसे कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। ओके SBI गए हो? हाँ ठीक है। SBI में आपको कौन मिलता है? मैनेजमेंट। ओके SBI का मालिक कौन है? सरकार। नहीं, मालिक कौन है सर? मालिक तो मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। तो कह रहा सर यहां पर होते हैं आपके सो कॉल्ड मेंबर्स या शेयर होल्डर। मैंने कहा बिल्कुल यार, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ठीक है आप, मैं कहता हूं आप जैसे और कहीं चले गए, आप कहाँ चले गए? PVR पे चले गए, किसी मूवी को देखने के लिए चले गए। आप PVR सिनेमास पे जा रहे हो, सामने इंप्लॉयज दिख रहे हैं, बट मालिक कौन है नहीं पता। कौन है मालिक? ढूंढो, दया दरवाजा तोड़ो। कह रहे दरवाजा मत तोड़ो, बस ये पर्दा फोड़ो, ये जो कॉर्पोरेट व्हील है इसे लिफ्ट कर दो, ऐसे पर्दे को उठा दो ऊपर। पर्दा उठा दोगे तो उसके बाद क्या होगा, खेल खत्म हो जाएगा। ओ धूम थ्री की तरह सर्कस। कह रहा है अब देखो, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग द व्हील का क्या मतलब है, या लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का क्या मतलब है? पेपरों में पहले आ चुका है ये कि अब लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन। कह रहा है सर कंपनी का जो कॉर्पोरेट एंटिटी वाला ये फीचर है ना, जहां पे आपको पता ही नहीं है मालिक कौन है, मालिक अपनी दुकानों पर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए, कोई पता ही नहीं है, या तो डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। हाँ कह रहा हम इस कॉर्पोरेट एंटिटी वाला जो फंडा है इसको सीधा डिसरिगार्ड कर देंगे, इस पर्दे को हटा देंगे, और एक्चुअल में देखेंगे कि इस लीगल फसाद के पीछे है कौन। ओके यहां पर सीधा सीधा कंपनी की जो बार बार हम लोग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनर की बात कर रहे हैं, सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लॉ कहता है बाहर में जाए सारा कुछ, तुम सीधा मेरे को, अब अगर मैंने कॉर्पोरेट व्हील उठा दिया तो आई विल स्ट्रेट अवे कंसर्न डायरेक्टली विद द मेंबर्स और द मैनेजर्स। कह रहा है अब मैं सीधा शेयर होल्डर से बात करूंगा। सर आपको क्या ही पता होगा रिलायंस के बारे में? नहीं, ये सिर्फ तब सिनेरियोज में आते हैं, आज के टाइम पर ये चीजें अप्लाई नहीं होती। यहां पर शेयर होल्डर का मतलब है मेजर शेयर होल्डर। ये तो बहुत पुराना जमाना था जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होते थे, अब कहां ही अप्लाई होता। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट पर्दा उठा लेगा। और कब कब ऐसा होगा? इन द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट द कंपनी वेयर द कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और द प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी इज लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। कब कब ऐसे सिनेरियोज आएंगे जब ये लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट यूज होगा? कह रहे देखो एक बात बताओ सर। मैंने कहा स्कूल में कभी बम फोड़ा होगा किसी ने? हाँ, बम निकला किसी और के बैग में, आग लगाई किसी और ने, और इंटेंशन थी किसी और की, तो होता है ना जिसे पुलिस पीछे पड़ जाती है कि भाई इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था, होता है ना, बहुत सारी फिल्में हमने देखी। अब ऐसे ही कब ऐसा होगा? कह रहा सर जब हम ट्रेडिंग विद द एनिमी का कॉन्सेप्ट होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का चेक करते हैं। मान लो कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है, वैसे तो उसकी हिम्मत ही नहीं है, हमारे से कहां ही लड़ेगा। तो अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, आपने सुना होगा इंडिया के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया से पैसा कमा के टेररिस्ट को दे रही है। ओ हाँ, अब पता चलेगा कि यार आप यहां पे बैठ के हमारे दुश्मन से ट्रेड कर रहे हो, तो हम आपकी कंपनी में जाएंगे, पर्दा उठा के देखेंगे कि कौन असली मालिक है, उसको पकड़ लेंगे। एक दो शेयर्स वाला, 10-20 शेयर्स वाला मालिक नहीं होता वहां पर, स्टेक आता है। जब मेजॉरिटी स्टेक की मैं बात करता हूं, 20-25-50% क्या। ओके जहां पर सरकार को लगता है कि यार जो मैटर है वो लॉ ऑफ टैक्सेस का, ड्यूटीज और स्टैम्प्स का है। एक कंपनी है जो GST की चोरी कर रही है,
अब भाई इम्प्लॉई तो जीएसटी की चोरी तभी करेंगे ना ये लोग, जब इनको पीछे से मालिक ने बोल दिया ओए कोई भी बिल मत काटना, सिर्फ कैश में काम करना चुपचाप। तो लॉ कहता है मैं किसे पकड़ूंगा, मैं इन ओनर्स को पकड़ूंगा, मैं आपके यहाँ के ओनर्स को पकड़ लूंगा साहब। ओके ठीक है। इसके अलावा अब कंपनी क्या करती है, कंपनी और ज्यादा सब्सिडरीज बना लेती है। ओके और यहां पर हम क्या करते हैं, सब्सिडरी पे सब्सिडरी, सब्सिडरी पे सब्सिडरी बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, पैसा घुमाने के लिए, टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए, ट्रांजेक्शन की उथल पुथल करने के लिए। आपने देखा कई बार स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है, एक ह्यूमन बॉडी देखिए, इधर से नर्व जा रही है, इधर से नर्व जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या। ऐसे ही ठीक इसी तरीके से इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके अंदर कुछ समझ ही नहीं आता। अब क्या होता है, कंपनी ने अपनी सब्सिडरी बना दी, कह रहा ठीक है। और जैसे देखो एक कंपनी ने क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया और उसको कंपनी बना दिया, और बाद में उसे अपनी सब्सिडरी बना लिया, कह रहा ओके ठीक है। कह रहा अब एक बात बताओ, और कहता है यार खरीद लिया तो कंपनसेशन तो हमारे को, कह रहा है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या बोला सर इसने, देखो क्या होता है ना, चालाकियां, चालाकियां में बड़ा मजा आता है यार, वही तो पकड़ना है, आम बंदे की समझ के बिल्कुल बाहर हो जाता है। देखो इसको मैंने बना दिया, देखो जैसे क्या हुआ, एक कंपनी है वो अपनी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज बनाती है, अपने एजेंट्स बनाती है, अपनी कंपनी के एजेंट्स बनाती है और काम करने के लिए। आपने सिर्फ रिलायंस का नाम सुना, पर रिलायंस के पास न जाने कितनी सब्सिडरीज हैं, रिलायंस फ्रेश से लेकर आपका रिलायंस पेट्रोल पंप तक, रिलायंस कंस्ट्रक्शन से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक, पता नहीं न जाने कितनी सारी है। ओके अल्टीमेटली ग्रुप का नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत की सबसे बड़ी कंपनी। अब ऐसे ही इन्होंने आगे और अपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई। अब यहां पर देखो क्या होता है, एक कंपनी ने एक पार्टनरशिप फर्म को खरीदा, उसको कन्वर्ट करवा दिया, उसको कन्वर्ट करके एक कंपनी बना ली। कहता सर ये कंपनी आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई और ये सब्सिडरी हो गई। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब अगर ये केस स्टडी मैं पढ़ाऊं तो आज का सारा लॉ दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि ये केस स्टडी बिल्कुल नहीं है 1939 के जमाने। वो कहता सर कंपलसरी एक्विजिशन हो गया है ऑफ द बिजनेस ऑफ द सब्सिडरी, तो इसलिए कंपनसेशन पे करो। इट वॉज हेल्ड दैट पेरेंट कंपनी वॉज इंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन। ठीक है, ज्यादा पंगे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सा फंडा, ऊपर वाली दो लाइनों को याद रखना, ज्यादा लाइनों को याद मत रखना, पता चले गड़बड़ कर दो। यहां पर जितना याद रखने की जरूरत होगी मैं उतना बता दूंगा, थोड़ा अटपटा लगता है बट इट्स ओके, आपके लिए बहुत है। सबसे पहला, जब आप ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहे होगे तो ऐसा होगा, जब आप लॉस को, टैक्सेस को और स्टैम्प्स को यहां पर कुछ पंगा कर रहे होगे, तो ये पता लगाने के लिए कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसका है, पहले वाले में भी ये पता लगाने के लिए कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखेंगे कि भाई आपकी कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका है। उसके बाद कोर्ट को अगर कभी ऐसा लगता है कि देयर इज अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, मतलब अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है जानबूझकर अपने प्रॉफिट्स कम दिखा रही है ताकि वर्कमैन को बोनस ना देना पड़ जाए, ओ अपनी एक सब्सिडरी बना दी, सारा पैसा उस साइड पे भेज देते हैं, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा टैक्स, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बोनस इंप्लॉयज को पे करना पड़ेगा, आप आधे से ज्यादा प्रॉफिट दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर देते हो, प्रॉफिट कम तो बोनस भी कम। तो क्या सर, वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए आपने अगर ऐसा किया। उसके अलावा या तो फिर कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऐसा किया, या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही है। ओ ऐसा क्या, हाँ जी, तो इस सिचुएशन के अंदर भी क्या होगा, देयर विल बी लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल। कॉर्पोरेट बिल को सर हम लोग उठा देंगे, पर्दा उठा देंगे। कह रहा ओके ध्यान से इसको यहां पर मार्क कर लेना, पेपर में आने की उम्मीद है, ठीक है, ऐसा मत सोचना उम्मीद नहीं है। तो उन सब सिचुएशंस के अंदर मैं क्या करूंगा, इस कॉर्पोरेट बिल वाला जो पर्दा है इस पर्दे को उठा देंगे। कह रहा ठीक है, कह रहा कहीं पर अगर क्वासी क्रिमिनल केसेस हमारे को देखने के लिए मिल जाते हैं तो वहां पर भी क्या होगा, हम लोग पता लगाएंगे असली कल्प्रिट कौन है, इन ऑर्डर टू लुक बिहाइंड द लीगल पर्सन और उसको पनिश करने के लिए जिसने भी लॉ की वायलेशन करी है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल को किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड कर रही है, कह रहा ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कोई कंपनी है ही नहीं, पर्दा उठा दे कि भाई असली मेंबर से मिलवाओ। मेंबर से यहाँ पे मिलवाने का मेरा मतलब है कॉर्पोरेट
कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरे पास रिलायंस के शेयर तो है, मालिक तो मैं भी हूं, पर क्या मैं रिलायंस को कंट्रोल कर रहा हूं? नहीं। ठीक है, अब चलो फाइनली 2016 का एक केस देखने के लिए मिल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा स्टेट ऑफिसर यूटी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ वर्सेस ESYS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पहली बार इतने सालों में कोई नया केस देखने के लिए मिला। इन्होंने बोला कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील तब भी की जा सकती है जहां पर, ठीक है, आपने क्या किया, किसी भी तरीके से शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जहां पर शेयर्स ऑफ ट्रांसफर नहीं थे, जो शेयर्स ऑफ ट्रांसफर के बदले क्या था, इट वॉज सेल ऑफ लैंड, और जिसके लिए कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए मना किया गया। और इन लोगों ने क्या किया, चालाकी, ये दिखाया कि हम तो शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर ट्रांसफर ना करके लैंड ट्रांसफर कर दिया। तो पर्दा उठा के देखा भाई कौन है जो लैंड ट्रांसफर कर रहा है, देखा अरे ये तो वही लोग हैं जो कंपनी के मालिक हैं, ये तो वही लोग हैं जिनके पास कंट्रोलिंग स्टेक है। थोड़ा सा कभी कभी अटपटा हो जाता है, याद करने की जरूरत पड़ जाती है, तो इसे अच्छे से याद करके रखना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है, पहली क्लास है, थोड़ी सी अटपटी एंड में आते आते, वो भी इसलिए क्योंकि 40 मिनट्स के बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो थोड़ा सा और लगता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इसके अलावा अब चलेंगे अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पर ब्रेक लगा। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली, तब तक के लिए बाय।